ठीक है मम्मी, आपको कैसा लग रहा है विजयवाड़ा का गर्मी देख के? आराम से अभी के ऑफिस के सब लड़कियां आ रही है ना, वही मैं देख रही हूँ। और ये एम्बियंस पहले अलग था। मम्मी तो शौक हो रही है इतने बड़े बड़े आम देख कर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अभी देखो निशा रेडी हो गई है, निशा को ऑफिस ड्रॉप करने के जा रहे हैं एंड हमारे साथ मम्मी भी ज्वाइन करेगी। वाह, आज तो मम्मी भी चलेगी। तो अभी ये है कि हम लोग निशा को ऑफिस ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हमें मम्मी को बोले कुछ मैंगो खाने का मन कर रहा है। विजयवाड़ा का बहुत फेमस मैंगो होता है तो बैंगनपल्ली के नाम से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मस्त वाला। तो मेरा तो पर्सनल फेवरेट है वो। तो अभी बस जाते हैं बैंगनपल्ली मैंगो लेने के लिए। तो अभी हम लोग निकल गए हैं निशा को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए। मम्मी हमारे साथ है। ये रही निशा, इधर है। ये मेरे चश्मे के साथ क्या कर रहे हो आप? ठीक है मम्मी, आपको कैसा लग रहा है विजयवाड़ा का गर्मी देख के? अच्छा लग रहा है, बाहर तो बहुत गर्मी है, नहीं निकल सकते अभी तो, है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है विजयवाड़ा में। हाँ अच्छा है विजयवाड़ा तो, अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लोग तो भाई दिल्ली वाले हैं तो हमारे दिल्ली के अलावा तो यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। जब अच्छा, दिल्ली के ले लो तो गाँव से अच्छा है। गाँव से आई हूँ मैं तो गाँव से तो अच्छा है। वैसे क्या है, दिल्ली में सब लोग हिंदी लोग होते हैं ना तो अपना वाला फीलिंग आता है उनको। यहाँ पर क्या पूरा थोड़ा लैंग्वेज इश्यू हो जाता है तो किसी से बात करो या दोस्ती करो तो भी समझ में नहीं आता मम्मी को, इसके चलते ऐसा है। ओके, निशा का ऑफिस आ गया। बेबी बाय बाय बाय। आगे आओगे? नहीं ठीक है मम्मी, आगे आ जाओ ना। नहीं आगे आ जाओ, कम आ जाओ, आगे आ जाओ। और ये मम्मी अभी आगे आ गई है, निशा को देखे जा रही है पहुंची कि नहीं पहुंची। मम्मी टेंशन मत लो, इतना फिकर मत करो, बॉबी कहीं नहीं जाएगी, आराम से। बॉबी के ऑफिस के सब लड़कियां आ रही है ना, वही मैं देख रही हूं। पक्का है? आए आए। अच्छा बॉबी को नहीं देख रहे, बॉबी की लड़कियां दूसरी सहेलियों को देख रहे हो? हां बॉबी को भी देख रही हूं। अच्छा चल गई कि नहीं चल गई, अभी छत से देखेगी, उसके दोस्त सब जा रही है। अच्छा अभी हम लोग आ गए फ्रूट लेने के लिए। मम्मी को चाहिए थे बहुत सारे फ्रूट्स, खाने का मन कर रहा है तो विजयवाड़ा के मस्त मस्त फ्रूट्स खिलाएंगे मम्मी को। से बच रही हूँ भाई, इतना धूप से बचने के लिए इतना सा। अभी मम्मी बार्गेनिंग करेगी यहाँ पर। और मम्मी ने पहला आइटम मुंजुलू ले लिया, यहाँ पर जा रही है। अच्छा खासा बार्गेन कर लेती है मम्मी, आप अच्छा बार्गेन कर लेते हो। क्या चीज? अच्छा दाम बात कर, मैंने टेस्ट कर लिया, अच्छा है, मीठा है। अच्छा ना मम्मी, कैसा धूप है बाहर देख लो, है ना? बहुत है, बाप रे। भगवान को शुक्रिया अदा करो, एसी मिल रहा है, भगवान ने इतने सारे हमको फैसिलिटी दिया है। बहुत बहुत। हम लोगों ने ऑर्डर किया ऑनियन डोसा और एक प्लेट इडली ऑर्डर किया है, मम्मी को खिलाऊंगा। मम्मी टेस्ट करके बताना ठीक है इडली कैसा है। मस्त इडली रहता है इधर। और ये बहुत पुराना होटल है, मैं बचपन में आया करता था इधर मेरे पापा के साथ, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर खाता था। और ये एम्बियंस पहले अलग था, ये रिनोवेशन कराने के बाद कुछ साल हो गए ऑलरेडी रिनोवेशन करा के, लेकिन बहुत अच्छा बना है। और आई थिंक मुझे याद नहीं है टेस्ट, बस पहले का टेस्ट मुझे याद है। ये लोग वैसे मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं, आप खा के बताना मम्मी ठीक है? ओके। और ये लो अपना इडली है, मस्त घी डाल के ऊपर बटर डाल दिया, और ये अपना ऑनियन डोसा है। इसको मिक्स करके खाएंगे ना? हाँ मिक्स करके ही खाना है। ठीक देखो खा के देखो कैसा है। अरे वाह, ये तो बड़ी टेस्टी लग रहा है। है ना टेस्टी? अब वही देख रहे हो इडली कितना नरम है, नरम नरम इडली, सॉफ्ट है खूब। अभी जस्ट मैंने और मम्मी ने नाश्ता खा लिया, पेट भर गया और बहुत अच्छा लग रहा है। नाश्ता खाने के बाद ही मज़ा आता है यार, एनर्जी आता है, वरना एनर्जी होता ही नहीं। कुछ भी करने के लिए काम में ताकत ज़रूरी होता है, तो अब खाने के बाद आया। अरे घूमना है ना विजयवाड़ा में, अभी ब्रेकफास्ट करने जाओ या कुछ ले आना है फ्रूट फ्रूट तो शाम को निकलो, 5 बजे के बाद निकलो, जब बाजार का रौनक या मज़ा आएगा। अभी तो इतनी गर्मी है निकलने का दिल नहीं कर रहा है ना, विजयवाड़ा में तो बहुत भयंकर गर्मी बहुत, है, बहुत बहुत गर्मी है लग रहा है। ये देखो बाहर क्या गर्मी है, इतना धूप में फिर भी कितने लोग गाड़ी में चला के जाते हैं यार, तो कैसे? क्या करेंगे, मजबूरी है। कोई जॉब करने जा रहा है, कोई अपना बिजनेस मैन है, तो सब तो अपना जाएंगे, मजबूरी है। आपके जैसा थोड़े सारे लोगों को सुविधा है। सही बात है कि नहीं? सही बात बोला मैंने। गरीब भी है अमीर भी है, सब लोग अपने अपने काम में निकल रहे हैं। और मम्मी अपनी देखो पूरा फेस कवर करके धूप से बचने के लिए। चलो बस चलो है मम्मी, और क्या, अब थोड़ा राहत मिलेगा धूप से, कम से कम डायरेक्ट सन का तो फेस पे नहीं आएगा। राइट चलो चलते हैं फिर और क्या। ओके अभी हम लोग आ गए फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स लेने के लिए, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो ये पूरा फ्रूट मार्केट एरिया है, यहाँ पर लाइन से काफी दुकान रहते हैं फ्रूट्स के। देखो जैसे देख सकते हैं आम वगैरह बहुत कुछ मिलता है। देख रहे हो मम्मी कितना बड़ा आम है, ए माय गॉड,
मम्मी तो शौक हो रही है इतने बड़े बड़े आम देखकर। देखो यहाँ पर लाइन से ऐसे फ्रूट्स की दुकानें देखो, इसके पीछे में आम का गोदाम देखो। हाँ आम का गोदाम राइट, लेकिन इसके पीछे में मम्मी पता है वो होता है होलसेल है पूरा। ये अपना फेवरेट मैंगो है, ये बैंगन पल्ली बोलते हैं। ఎంత అండి ఇది? డజన్ 400 అదైతే సేక్ వాలా హై 500 డజన్ కావాలి 300 ఇస్తే ఇవ్వండి 300 ఆఖిర్కార్ హమ్ లోగోని ఆమ్ లే లియా और अभी आगे बढ़ते हैं। और भी फ्रूट चाहिए लाइक एप्पल वगैरह चाहिए अनार, तो वो भी ले लेते हैं। गाइस अभी मैं और मम्मी कार में आ गए, जो इतना देर हम लोग आगे वॉकिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे उधर, लाइक बार्गेन कर रहे थे उधर, तो इतने में क्या हो गया था, मेरा फ़ोन जो है ओवर हीट होके, इतना लाइक सनलाइट की वजह से इतना ओवर हीट होके मेरा फ़ोन जो है बताने लगा कि एक टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है फ़ोन का, तो कूल डाउन होने के बाद ही फ़ोन ऑपरेट कर पाएंगे, तब तक ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ऐसे बता रहा था। मम्मी आपको कैसा लग रहा है बहुत गर्मी में? गर्मी अच्छा नहीं लग रहा है, बाप रे लग रहा है बाहर की आग बरस रहा है पूरा पूरा शरीर ठंडा। देखो मम्मी आते ठंडा ठंडा पानी पीने लग गई, ठंडा पानी पी, पूरा बाजू अपने ऊपर रखी, बहुत गर्मी है सही में। हम तो गाँव में नहीं निकलते, बाजार हमारा दूर है। अभी तो यहाँ थोड़ा मजा तो आ रहा है लेकिन शाम को आएगा, अभी नहीं आ रहा है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो इधर बहुत भीड़ है, इधर आई थिंक पीछे भी बहुत भीड़ था, तो वो मेन ये है कि जो मुंजुलू करके फ्रूट होता है उसी फ्रूट को लेकर लोग बहुत खरीद के खाना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है वही बहुत ज़्यादा चलता है और बॉडी को ठंडा भी करता है। और इस गर्मी के हीट को बीट करने के लिए हम लोगों ने लिया नारियल का पानी। यहाँ पर एक नारियल का पानी का दुकान दिख रहा था हम लोग को, तो हम लोगों ने यहाँ से नारियल का पानी ले लिया है। और एक मैंने लिया और एक हिमांशु ने लिया, और बॉबी के लिए लेकर जाएंगे। आप बॉबी के लिए रख दिए हैं। अभी जस्ट मैं निशा के ऑफिस के नीचे आ चुका हूँ, जो मैं इतने सारे फ्रूट्स खरीदा था वो फ्रूट्स, और मैंने ये कोकोनट वाटर भी है ये निशा को देने के लिए उसके ऑफिस आया हूँ, तो निशा को उसको फ्रूट्स और वाटर मैंने दे देता हूँ, थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा। ओके निशा को अभी मैंने दे दिया उसको फ्रूट एंड कोकोनट वाटर, अब बस चलते हैं। बीच में ओशोदया में भी एक ब्रेक मार लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जियां चाहिए जो घर में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो लेने के लिए जाते हैं। अभी हम लोग फाइनली मैं और मम्मी आ गए ओशोदया में, यहाँ पर सुपरमार्केट में हमको सब्जियां खरीदनी थी, तो ये खरीदने आते हैं। सुबह से देखो हम लोग कुछ ना कुछ खरीद ही रहे हैं घर के खाने के लिए, सोचो मेरा घर कितना खाली हो चुका है। एंड अपॉन दैट फ्रूट्स तो बहुत सारे खरीद लिए हम लोगों ने, बट स्टिल एप्पल और पेयर से तो मैं खरीद लेता हूँ। यहाँ पर पेड़ से निकला हुआ है क्या? आम मैंगो, इतना छोटा छोटा पीला पीला। 28 रुपये किलो? नहीं 200, 250 रुपये के जी। अच्छा देखो मम्मी कितना सोचती है, मॉम्स का यही होता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं सब्जी को लेकर। सोचते नहीं, हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग को घर चलाना पड़ता है, तो इसलिए हम अपना अच्छा, ऐसा होना चाहिए इंसान, अपना सोचते आराम से देख के सामान लेते हैं कि हमारे जो सीजन में आ रहा है उसी को हम खाएंगे। स्टॉक वाले दूर महंगी वाली सामान नहीं चलेगा भाई, जिनसे लोगों को क्या है, बस ऊपर ऊपर ही सामान देखेंगे। लेडीज पहले ये देखेगी पीला वाला क्या रेट लिखा है, रेंज लिखा है, इसके अनुसार हम सब्जी लेंगे कि हाँ सही है। चलो सही है, हमारे बजट में है, बजट के अनुसार लेते हैं हम। तो फाइनली ओशोदया से हम लोग सामान लेके निकल चुके और हमारा बिल भी अच्छा खासा पड़ चुका है। अभी जस्ट मैं अपने घर जा रहा था रास्ते में, तो देखो मैं ऐसे आ रहा था और ऐसे अपने घर के लिए जा रहा था, इतने में मेरे को रास्ते में ये डॉगी दिख गया जो गर्मी में बैठा हुआ था, तो मन किया बेचारे को इतने गर्मी में यार क्या कुछ हेल्प कर दूँ इसको, तो ठंडा ठंडा दूध पिला देता हूँ करके मैं यहाँ पर आया, तो दूध ले लेता हूँ और इसको दूध पिला देते हैं। ये लो अपन ने दूध का पैकेट ले लिया है, आजा। ये तो लकीली मेरे कार में हमेशा ये बाउल पड़ा रहता है, तो इसी बाउल में इसको दे देते हैं। आजा। वो डॉगी इधर पी नहीं रहा, तो मैं इसको उठा के उसको अपनी जगह पे दे देता हूँ। आई थिंक ये इनका प्लेस है इसलिए ये लोग इधर आ गए। आजा कम, आजा पियो। पता नहीं इतना डर क्यों रहा है, चल दूर हो जाता हूँ मैं, खुद ही लेके पियेंगे फिर। मैं भी कार में आके बैठ गया तो फिर ये अब जाके पीने लगा। ओ माय गॉड, भाग गया एक डर से, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ चले गया पता नहीं, आ जाएगा वो। यहाँ मिरर में भी दिख नहीं रहा, कहीं पीछे तो कहीं नहीं दिख रहा है, इधर इधर था शायद। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो पी रहे हैं ना, यही मेरे को दिखा था, देखो जो गटर वाले पैर हैं उसके देखो। अभी एक साथ तो आया लेकिन अभी एक तो भाग गया, लेकिन इतने हमारे गाड़ी को देख रहा है, एक ध्यान से देख रहा है कि हमारे को क्या खिलाया। सही में उसको कितना सुकून मिला, बेचैनी था उसका बहुत,
कितना अच्छा ना, अभी अच्छा लगता है ऐसे डॉगीज को, देना चाहिए सब लोग, खिलाना चाहिए, है ना मम्मी? वही तो, थोड़ा मदद कर दे, कोई 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 जो भी देखे थोड़ा भी हेल्प कर दो, जो रोड पे डॉगी है कितना आपको पुण्य मिलेगा। सही बात है। फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं, हमारे सामान काफी इधर है और बाहर बाहर कहीं पड़ा हुआ है, बहुत सामान पड़ा है। इतना गर्मी है यार, तो मैंने अपने किचन में एसी चला के, मैं सोचा सामान सेट करने के लिए किचन को पहले ठंडा कर लेता हूँ, लेकिन जो इतना स्वेटिंग हो चुका है ना, बॉडी में बहुत चिपचिपा सा पन सा लग रहा है मेरे को, तो मैं पहले नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद अपने काम पे लग जाता हूँ, बहुत भूख भी लग रहा है, तो फिर खाना भी खा लूंगा। A few moments later. तो गाइस अभी रात हो चुका है एंड मैंने डिनर में मम्मी के लिए स्पेशल बनाया हरियाली चिकन और राइस। ये देखो हरियाली चिकन और राइस मम्मी खा रही है, बॉबी भी खा रही है, अभी निशा, एंड देखो मम्मी के लिए स्पेशल मैंगो भी दिया है। मम्मी खा के दिखाओ मैंगो कैसा है। मैंगो तो अच्छा है, खा के तो देखो। हरियाली चिकन भी बहुत टेस्टी है, है ना? मजा आया मैंगो खा के, मतलब मम्मी को मजा आ गया। मजा मम्मी तो ऐश कर रही है आने के बाद तो। मैं एक और बात ये देखो, मैंने येल्लो पहना और ये मैंगो भी येल्लो मैचिंग हो गया हम लोग। इसे कहते हैं आम आदमी, येल्लो मैंगो मैन, मैं हूँ वो। तो गाइज अभी डिनर हो चुका है एंड निशा की मम्मी और निशा दोनों इस रूम में अंदर सो रहे हैं, एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि मेरा पेट काफ़ी भर चुका है। बाप रे, पूरा खाना तो यहाँ तक खा लिया है मैंने और अभी नींद भी आ रहा है। एडिटिंग मैं कल सुबह करूँगा बैठ के, वैसे तो मैं सोचा अभी रात को ही करूँगा, बट नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को बहुत नींद आ रहा है। धूप में जो इतना घूम कर आया ना, तो मेरी बॉडी बहुत स्ट्रेन हो गई है और अभी नींद आ रहा है, तो मैं भी सो जाता हूँ। सो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। एज आई सेड, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं।